हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों, बात करूं आज रतन पावर शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ और अगस्त 2021 में आप स्टॉक में क्या कर सकते हो, कैसा प्राइस एक्शन स्टॉक में बन सकता है, जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ भी समझ आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कॉमेंट डेफिनेटली करना अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्टॉक की एनालिसिस करूँ कि अगस्त के महीने में स्टॉक में कहाँ तक के लेवल हमें दिख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है एंड प्राइस एक्शन क्या बन रहा है अभी। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट डेफिनेटली करना। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जुलाई के महीने में आपको हमने क्या बताया था, उसको एक छोटे से क्लिप है, उसको सुनो राइट। उसके बाद शेयर करेंगे कि आगे अगस्त के महीने में आप क्या कर सकते हो। सर, अगर आपको अच्छा खासा गेन हो रहा है 100% का 200% का तो प्रॉफिट बुक कर लो कल मार्केट खुलते ही, पहला मेरा ये रहेगा। और दूसरा, अगर आपने स्टॉक को 9.70 रुपये के लेवल्स में बाई किया है, 9.60 रुपये, या आप लगातार स्टॉक को एवरेज कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्टॉक को एवरेज तब तक नहीं किया जाता जब तक वो कम से कम 15-20% रिट्रेसमेंट ना दे दे और साथ में एक सपोर्ट के आसपास नहीं आ जाता। तो भाई, मैं आपको यही बोलूँगा, ऐसी गलतियाँ मत करना, बच्चे वाली मिस्टेक मत करो। स्टॉक को एवरेज करने के तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लोग उसका यूज़ करते हैं। अभी आपको चार्ट के माध्यम से बतलाऊँगा कि वो होता क्या है। दूसरा, तो दोस्तों आपने सुना उस समय स्टॉक आपका 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब आगे लेके चलते फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद क्या हुआ वो खुद देखो आप। 6.50 रुपये स्टॉक का 21 मूविंग एवरेज 6.50 रुपये निकल के आता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक को एवरेज करना तो 6.50 रुपये से पहले स्टॉक को एवरेज आउट मत करना, अदरवाइज आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो 6.50 रुपये एक एवरेज आउट निकलता है मूविंग एवरेज सेटिंग से, किसका, रतन पावर शेयर का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, आप देख सकते हो इस लो को इस हाई से मैच करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ 61%, 50%, 38%। तो दोस्तों, इन तीनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो मेरे हिसाब से जो एक एवरेज निकल के आता है वो निकल जाता है 6 रुपये के आसपास। तो 6 रुपये के आसपास भी आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट बैठता है और साथ में हमारा मूविंग एवरेज भी 6.5 रुपये के आसपास बैठता है। तो आप मोटा मोटी बोल सकते हो कि 6 रुपये से लेके 6.5 रुपये एक सपोर्ट एरिया बनता है, किसका, रतन पावर शेयर का। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, दोनों तरीके। तो दोस्तों, आपने देखा 6 रुपये के आसपास स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है। अब लेके चलते हैं अभी के प्राइस एक्शन की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो रतन पावर शेयर का मैंने चार्ट खोला हुआ है एंड दोस्तों आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया है बिल्कुल 6 रुपये के आसपास, जैसे आपको बताया गया था। आज स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा है और यहीं स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, अब स्टॉक में आपको क्या करना आगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप एक बार ये देखो जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप देखो, एक महीने के अंदर स्टॉक ने 23% का लो लगाया है, मतलब आपको मंदी दिखाई, गिरावट दिखाई है। तो हमारा काफ़ी अच्छा पैसा स्टॉक में बच गया, इसके लिए आप लाइक पक्का कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है जो बना है, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये रियल प्राइस एक्शन है या नहीं, ठीक है। मैंने, अगर आपने पुराना वीडियो देखा होता वाला, तो मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि जब भी किसी स्टॉक को बाय करना है सपोर्ट के आसपास तो प्राइस प्लस वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लिया करो। प्राइस और वॉल्यूम का कन्फर्मेशन कैसे लेना है अभी आपको बता देता हूँ और आगे के लेवल्स भी आपको बताऊँगा कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये मैंने चार्ट खोल दिया रतन पावर का, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। एंड दोस्तों, देख सकते हो आप जो स्टॉक है, ये आपको लाइन दिख रही है लाल कलर की, ये है 21 मूविंग एवरेज, 21 नंबर का मूविंग एवरेज है जो सिर्फ रतन पावर शेयर के लिए आपको यूज़ करना है और किसी दूसरे स्टॉक के लिए यूज़ नहीं करना है। एंड दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने इस मूविंग एवरेज की नीचे क्लोजिंग कर दी है, इसका मतलब स्टॉक में आपको एक मंदी देखने को मिल सकती है बहुत लंबे समय तक, जब तक ये दोबारा इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है एक अच्छी खासी हरी कैंडल। एग्जांपल के तौर में आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ स्टॉक ने एक हरी कैंडल क्लोज करी थी और उसके बाद स्टॉक में जो तेज़ी आई, आप देख सकते हो 2.5 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग करी थी और स्टॉक ने हाई जो लगाया 9 रुपये का लगाया। इसका मतलब ये जो मूविंग एवरेज 21 नंबर का, ये काम करता है आपका रतन पावर शेयर के लिए। तो जब तक ये दोबारा से इसके ऊपर क्लोज ना करे, इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज ना करे 21 नंबर के, तो आप स्टॉक को बाय मत करना। यही अगस्त में आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, समझ आ गया। दोस्तों, बात करते हैं
स्टॉक ने सपोर्ट किया आज 6 रुपये के आसपास। क्या ये सपोर्ट एरिया रियल है दोस्तों, आप देख सकते हो। हम इसको कैसे पहचानेंगे, दो तरीके बताया मैंने आपको। पहला तरीका प्राइस प्लस वॉल्यूम, इसका कंफर्मेशन लिया करो। तो देखो प्राइस तो हमें कह रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक दिन का प्राइस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। कहने का मतलब है कि लगातार अगर 3 हरी कैंडल बन जाती है तो वो होता है रियल प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम। तो ठीक है, तो प्राइस ने भी हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, साथ में वॉल्यूम ने भी हमें कंफर्मेशन नहीं दिया। देख सकते हो वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है वो अभी तक नहीं हुआ है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट मतलब ये मूविंग एवरेज अप्लाई कर रखा है मैंने। एंड दोस्तों देखिए ये वॉल्यूम कितना इसको काट नहीं पा रहा है। अगर ये वॉल्यूम इसको काट लेता तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट माना जाता, ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हो ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आपको इन फेक ब्रेकआउट से बचना है। बचने का तरीका बहुत सिंपल है बॉस, जब तक स्टॉक को बाय मत करना जब तक ये दोबारा 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है आपका रतन पावर शेयर, तब तक आप स्टॉक में दोबारा एंट्री मत करना। यही सबसे बेस्ट एंट्री है स्टॉक के लिए। और अगर बात करो स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, अगर जब ये दोबारा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा आपका रतन पावर शेयर, तो जो हमारा लास्ट स्विंग होगा वही हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है। मान लीजिए ये अगर इसने यहाँ क्लोजिंग कर दी, ये मानो ये क्लोजिंग कर दी, तो ये जो लास्ट स्विंग है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, समझ गए। तो रतन पावर शेयर में आपको ये करना है। बाकी भैया देखो चार्ट के हिसाब से तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, राइट। अभी क्यों? क्योंकि स्टॉक ने 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दी है। एंड दोस्तों जब भी कोई स्टॉक एक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करता है तो वो एक बेरिश मोड में चले जाता है, राइट। पहले यहाँ पर इसमें मंदी थी, पहले इसमें यहाँ पर तेजी थी, आप देख सकते हो। ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। पहले यहाँ स्टॉक में तेजी थी, अब स्टॉक में मंदी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो स्टॉक अब नेक्स्ट जो हमारे टारगेट नहीं है नीचे की तरफ के, मैं आपको नीचे की तरफ के टारगेट दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो टारगेट नीचे की तरफ के 5 रुपये तक निकल के आती है। अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा एंट्री तब तक नहीं करनी है जब तक ये 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है, समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल, ठीक है। लॉन्ग टर्म को किसी स्टॉक को अगर आपको होल्ड करना है तो तभी किया जाता है जब कंपनी के फाइनेंशियल में सुधार आ रहा हो। और ये स्टॉक मैंने खुद आपको 2 रुपये के लेवल्स पर रिकमेंड किया, 2 से 9 हो गया। तो भाई ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न हमें दे चुका है, 400% का गेन आ रहा है, मजाक नहीं होता दोस्तों। 400% का गेन काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है। तो अगर आपने काफ़ी सस्ते में बाय किया है तो मेरे तरह, तो आप स्टॉक में क्या करो, 70-80% का माल पहले प्रॉफिट बुक करो, और जो छोटी मोटी क्वांटिटी है उसको बड़े टारगेट के लिए रहने दे सकते हो। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया स्टॉक की जो तेज़ी स्टार्ट हुई है 2 रुपये के लेवल से स्टार्ट हुई है। तो 2 रुपये से अगर कोई चीज़ 10 रुपये हो जाती है तो आप कम से कम मान के चलो वो 4 से 5 रुपये आ सकती है। तो अगला जो टारगेट हमारा स्टॉक का है 5 रुपये की तरफ है नीचे की तरफ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कड़वी बात लगेगी लेकिन ये रियल है। जो मेरे स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं 5 रुपये के निकल के आते हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ के टारगेट दोस्तों बोल देना चाहता हूँ, जब तक 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है स्टॉक को बाय मत करना। 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर देगा वॉल्यूम के साथ तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। और जो टारगेट रहेंगे लास्ट जो स्विंग आपको दिख रहा है इसके ऊपर तक के टारगेट रहेंगे 12 रुपये और 11 रुपये तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा रतन पावर शेयर में आपको क्या करना है। अभी कंपनी के Q1 अर्निंग्स आने वाली है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया था और एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इस बार भी अच्छा काम कर सकती है, मतलब अच्छे प्रॉफिट लेके आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली भाई जो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी बताई है आपको रतन पावर शेयर में, उसको अप्लाई करके आप स्टॉक में ट्रेडिंग करके और स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। ऐसे ब्लाइंडली अगर आप बाय सेल करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, इसलिए एक सेटअप को फॉलो करो। सेटअप मैं आपको दे चुका हूँ, रतन पावर शेयर में आपको 21 मूविंग एवरेज अप्लाई करना है क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है। और जो ये मूविंग एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज है, ध्यान रख लेना सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा रतन पावर शेयर में आपको अगस्त के महीने में क्या करना है। जुलाई के महीने में जो बोला था बिल्कुल स्टॉक ने वही काम किया जैसे आपको बताया गया था। अगस्त के महीने में जो बताया है इसको एक दो बार वीडियोस को सुन लेना दोबारा से, आपको समझ आ जाएगा अगस्त के महीने में स्टॉक में क्या होने वाला है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।